नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी और जन नायक जनता पार्टी के बीच हरियाणा की डील पर मुहर लगने के बाद शनिवार को मनोहर लाल खट्टर राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से मुलाकात करेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। हरियाणा में शनिवार को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बने पेचीदा सियासी समीकरणों के बीच शिवसेना विधायक दल की बैठक शनिवार को मुंबई में होगी। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में आदित्य ठाकरे को विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान क्यार का खतरा बढ़ गया है, जिसके चलते मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के तटीय जिलों रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। उड़ीसा के जाजपुर के एक होटल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर की लाश मिली है। आरबीआई के जनरल मैनेजर आशीष रंजन सामर गुवाहाटी में कार्यरत थे। उड़ीसा के जाजपुर में उनका पैतृक निवास है, यहां वे अपने परिवार के लोगों से मिलने आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से उस याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें देश के सभी मस्जिदों में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने की मांग की गई है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और एस ए नजीर की पीठ ने सरकार से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 5 नवंबर मुकर्रर कर दी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अयोध्या में इस बार भी धूमधाम से दीपोत्सव की तैयारी में जुटी है। शनिवार को समूची अयोध्या और सभी घाटों पर 5,51,000 दिए जलाए जाएंगे। साथ ही 226 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का तबादला कर दिया गया है, उन्हें गोवा का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं धारा 370 हटाए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए जम्मू और कश्मीर को उपराज्यपाल मिल गया है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बताया है। बिपिन रावत ने कहा है कि पाकिस्तान इस पर अवैध कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि जब हम जम्मू और कश्मीर कहते हैं तो जम्मू और कश्मीर के पूर्ण राज्य में पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को दिवाली की बधाई दी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ओवल ऑफिस में भारतीय अमेरिकी लोगों के छोटे से ग्रुप के साथ दिवाली मनाई। लाहौर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को चौधरी शुगर मिल भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को चिकित्सा आधार पर जमानत दे दी। एक न्यूज एजेंसी के अनुसार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने अपने भाई पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की रिहाई के लिए जमानत अर्जी दायर की थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार।